हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज, आज के जो रिएक्शन वीडियो है ये कोई सॉन्ग पर नहीं है, बट ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है और लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है ये वीडियो। मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ यू नो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो आज का जो वीडियो है वो खेसारी लाल यादव के लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर है पूरा। जैसे उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया और कैसे कैसे वो एक बड़े सुपरस्टार बने और उन्होंने अपने सब कुछ शेयर किया इस वीडियो में। ये जो वीडियो है लहरे भोजपुरी चैनल का है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते वीडियो की तरफ और देखते हैं ये वीडियो। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आँखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा, जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर, हम तीन भाई हैं, अपने सगे तीन भाई हैं, हमारे चाचा के चार लड़के हैं, सात भाई, इसलिए मैं सात भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी चार लड़कों को पाला और बड़ा किया। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहन कर फाट जाता था और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था क्योंकि सबसे छोटा था मैं, तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे। हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी वादी होता था ना किसी घर में, बड़े भैया की शादी हुई थी तो एक ही कलर का हम सातों भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे, तो सोते नहीं थे पापा, वो ही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे, फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना तो उनको फ्री में मिल जाता था, तो फ्री में मिल जाता था तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे, तो पापा 150-200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी, मम्मी साथ रहने मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा, मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था, एक छोटा सा झोपड़ी था संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी ओखला में दिल्ली में, तो वहाँ पर पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है, वो चना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो, और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी, 2004 या 2005 ऐसा ही कुछ था, 2005-06 में, तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो, तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया,
एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की, और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे मैं सो करता था तो मुझे 1100 रुपये 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे, और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मुझे, मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया, और वो कैसेट मेरा छपरा सिवान गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। ओके, तो ये मे भी छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो नहीं है, बट जहाँ तक ये वीडियो था बहुत ज़्यादा इमोशनल था और बहुत ज़्यादा टचिंग था। आई स्वेयर, मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो, बट यू नो वॉट, जो लोग ने ये लेवल का स्ट्रगल किया है ना लाइफ में, वही लोग हमेशा टॉप पर पहुँचते हैं, ऐसा मैंने देखा है आज तक का, मतलब रिकॉर्ड है। जिन लोग जो उस पोजीशन पे बैठे हैं ना, अगर उनकी स्टोरी सुना जाए तो उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो यह है कि हर किसी को बना बनाया कुछ नहीं मिलता है। बहुत इंस्पिरेशनल था सच में, बहुत ही मोटिवेशनल था, क्योंकि कभी भी हार नहीं मानना है इस चीज़ से, और यू नो अपने सपनों के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना। 3 बार वो कैसेट फ्लॉप होने के बाद भी हार नहीं मानना, और ये जो मोटिवेशन होता है ना, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, बहुत इंस्पायर करती है सच में। क्या ही बोलूँ अभी, आई एम लिटिल इमोशनल राइट नाउ। मुझे सच में बहुत टचिंग लगता है, और मैं इन पर्सनल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं इनफैक्ट रो देती हूँ ऐसे सब सिचुएशंस में। बट आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। तो ये जो है वो उनके मेहनत है, जो भी आज वो कर रहे हैं वो फल दे रहा है उनको, है ना, मेहनत का फल मिलता ही है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।